दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सब करियर चल रहा होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि वेस्टर्न प्रकार आप कहां कहां बजा सकते हैं। अक्सर आप लोग जब पुराने सॉन्ग सुनते होंगे या कोई कोई जैसे भजन है जो पुराने सॉन्ग पर ही बना हुआ होता है, मतलब म्यूजिक जो धुन होती है पुराने मतलब गानों की ही होती है, तो उनमें अक्सर होता क्या था, जैसे ढोलक तबले का पार्ट बजता है और फिर उसके बाद एक वेस्टर्न पार्ट भी लगता था, कि जैसे कोंगो बोंगो या और भी अदर इंस्ट्रूमेंट होते थे उन पर बजाया जाता था वेस्टर्न। ठीक है, तो अब अक्सर क्या होता है, आपको अगर आप कहीं सिंगल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, सपोज ढोलक तबला लगा हुआ या ढोल इत्यादि है वगैरह, तो वहाँ पर जैसे वेस्टर्न है तो हमने ढोलक पर उसको कैसे बजाना है। जैसे वेस्टर्न का कोई गाना है तो अगर आप सुनते होंगे जिसमें कि रिदम जो 8 मात्रा में ही बजा हुआ होता है कहरवा में, लेकिन जो स्टाइल होता है वो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में होता है। ठीक है, तो वो हमने ढोलक पर कॉपी कैसे करना है। हालांकि मैं एक इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने 7-8 पैटर्न बताए थे लगातार सभी वेस्टर्न के, वो वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सबसे ऊपर में दे दूंगा, एंड स्क्रीन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ पैटर्न नहीं बताए थे जो आज बताने वाला हूँ, बहुत ही फेमस पैटर्न है, ज़्यादातर बजाए जाते हैं वेस्टर्न में मीडियम कहरवा में। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। 3 पैटर्न में आपको इसमें बताऊंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्लो स्पीड में। और उससे पहले अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो लाइक बनता है, लाइक जरूर कर दें वीडियो को। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा भी और अच्छा काम करने के लिए आगे, तो लाइक जरूर कर दें। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, साइड में आप नंबर देख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं सुबह 10 बजे के बाद और रात को 10 बजे से पहले आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है, सपोज हम कहरवा बजा रहे हैं मीडियम स्पीड वाला। ठीक है, सपोज यही, अब जैसे कि कोई गाना चल रहा है सपोज, ठीक है, कहरवा में ये बीच में म्यूजिक पार्ट आएगा तो कैसे आएगा, ये आ गया यहां से म्यूजिक पार्ट, तो वैसे ये तो सिंपल वाला फिर है। ये भी लगता है फिर फिर यहीं से जैसे गाना दोबारा स्टार्ट होता है, इस तरीके से आपने वेस्टर्न बजाना है। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीके से मेथड बता दिया कि वेस्टर्न आपने म्यूजिक पार्ट में कैसे बजाना है। गाना चल रहा है तो आपने सिंपल कहरवा बजाया, जैसे म्यूजिक पार्ट आया तो थोड़ा सा मतलब क्रिकेट ले गया या सिंपल तरीके से दादा दादा, और इसके बाद वेस्टर्न शुरू कर दिया। जैसे म्यूजिक पार्ट खत्म हुआ तो इसको वेस्टर्न को खत्म कर दिया, और जैसे अंतर आया तो वापस से क्रिकेट से लेके कहरवा उठा दिया। बहुत आसान है ये, इस तरीके का मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही बजाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, बात करते हैं पैटर्न के, सीधे पहला वाला पैटर्न जो हमारा है उसको देखते हैं। तो बेस आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप चांटे देखें। ठीक है, किस तरीके से बजाना है, शुरू वाला जो पैटर्न है इस तरीके से ती हम जैसे कहरवा बजाते हैं। ठीक है, धिट ताता धिट धाता धिट ताता धिट धाता धी ट ता ता धी ट धा ता। ठीक है, धिट ताता धिट धाता धिट ताता धिट धाता। अब देखिए बेस कैसे बज रहा है। ठीक है, धी सिंपल है, धी ट ता ता धी ट धा ता, केवल एक बार जो लास्ट वाला धा है उसको हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, धिट ताता धिट धाता धिट ताता धिट धाता,
लास्ट वाला धा स्लिप कर रहे हैं, बाकी सिंपल वाला बेस लग रहा है, ठीक है। धी ऐसे बीच में, थी यहाँ से बजाया, यहाँ से सिंपल वाला धा बजाया, धी ता, फिर है धी फिर है धा, धा को जो है यहाँ से स्लिप करना है। सिंपल सिंपल पैटर्न है, एक बार फिर से देख लें, धी ता, फिर है धी धा ता, धी ट ता ता, धी ट धा ता, धी ट ता ता, धी ट धा ता, धी ट ता ता, धी ट धा। ये हो गया। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न किस तरीके से आपने बजाना है। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो इसी की तरह है, लेकिन वो थोड़ा भर के बजता है। किस तरीके से, धिट ता धी धीन धाता, धिट ता धी धीन धाता, धिट ता धी धीन धा, ठीक है। इस तरीके से धी ट ता धी धी न धा ता, समझ। दोबारा से देखें कैसे बजाना, धी ट ता फिर धी धी, ठीक है। सिंपल यहाँ से दो बार धी धी बजाना, धी धी फिर आएगा ना, जैसे टा बजा रहे थे वैसे ही, ठीक है। धीट ता धी धीन धा ता, इस तरीके धीट ता धी धी, सिर्फ लास्ट वाला धा स्लिप होगा, बाकी सिंपल बज रहा है, धी ता धी धी न धा ता, धी ता धी धी न धा ता, समझ गए। धी सिंपल बजाया, ता सिंपल बजाया यहाँ से, फिर धी धी इस उंगली से, यहाँ से दोनों बार धी धी बेस भी लगेगा, ठीक है। सिंपल वाला बेस धी धी, फिर है ना, मतलब टा यहाँ से बजाना है, जैसे टा बजा रहे थे ना ऐसे बजेगा, ना फिर है धा ता, धा को स्लिप किया, धा के साथ आगे बजाया धा, फिर ता, समझ गए। धी ता धी धी, ठीक है, धी धी न धा ता, धी धी सिंपल और धा, केवल धा को स्लिप करना है, ठीक है। धी ट ता धी धी न धा ता, धी ट ता धी धी न धा ता, इस तरीके धी ट ता धी धी न धा ता, समझ गए। फास्ट में कैसे बजेगा, धेट ता दे दिन धाता, धेट ता दे दिन धाता, धेट। नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारा लास्ट वाला, वो किस तरीके से आपने बजाना देखें। धाता ते धाता धिट धाता ते धाता धिट धाता ते धाता धिट, बहुत अच्छा पैटर्न है ये भी आप बीच में बजा सकते हैं। वेस्टर्न में आता बहुत ही अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करता हूँ बीच में जब वेस्टर्न बजाया जाता है, ठीक है। किस तरीके से, धाता धाता ती, ऐसे धाता 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 एस ती है ना, तो धाता इस तरीके धाता ते धाता धिट धाता ते धाता धिट धाता ते धाता धिट, एक बार फिर से देखें बिल्कुल स्लो में, देखें किस तरीके से बजाना है, ठीक है। धाता ती, ठीक है, धाता ती हमने यहाँ से बजाया, धा सिंपल ता ती यहाँ से बजाया, ठीक है। धाता ती धाता धा ता, फिर सेम आएगा धा ता ती धा ता, फिर है धी ट, यहाँ पर जो है धी स्लिप हो रहा है लास्ट में, ठीक है। धी ट धाता ती धाता धिट धाता ती धाता धिट धाता ती धाता धिट, समझ रहे। धा ता एस ती इस तरीके से आएगा थोड़ा सा, ती फिर आएगा धी ट धाता ती धाता धिट धा ता ती धा ता धी ट धा ता ती, फिर आएगा धा सिंपल वाला
आ फिर धी धी पे बेस स्लिप करना है, इसलिए इसका आपने ध्यान रखना है कि लास्ट में स्लिप हो रहा है, शुरू में नहीं, ठीक है। शुरू वाला जितने बेस हैं सिंपल लगेंगे तीनों पैटर्न में, लास्ट में स्लिप हो रहा है, जो लास्ट वाला जो बेस आएगा वो स्लिप होगा। कैसे धा ता ती रे धा ता धी ट, समझ गए। बजेगा कैसे वो देखते हैं, धा 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 धता ते धता धिट धता ते धता धिट धता ते धता। इस तरीके से आपने ये पैटर्न बजाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ और किस तरीके से करना है। जैसे कि कोई भी गाना है, भजन चल रहा है, तो उसमें आप जैसे बहुत सारे गाने तो ऐसे हैं वेस्टर्न के जो स्टार्टिंग से ही वेस्टर्न में चलते हैं, ठीक है, जैसे कि इस वाले ताल में या इसे स्लो में भी, जैसे कि दीदी तेरा देवर दीवाना, इस तरीके से भी जो गाना है ये सारे पैटर्न मैंने बताए हुए हैं। ये जो जैसे कि घोड़ा चाल इस वाले को पैटर्न के लिए बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि घोड़ा ताल भी इसके लिए बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने बहुत सारे वेस्टर्न पार्ट बताए थे, उसमें आपको ये वाला पैटर्न मिल जाएगा। बाकी जो ये वाले पैटर्न है इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लें, यूज मैंने बताया कैसे करना है, तो पहले स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे इनका यूज आपने थोड़ा बढ़ा के करना है, फिर गानों के साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सफाई का विशेष ध्यान दें कि मिठास तरीके से और अच्छे से बजना चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यू वीडियो आ ही रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं आगे आपको कैसे लेसन चाहिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।